इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस सबक में हम आपको इंटरनेट पर मेल जोल और गुफ्तगु के बारे में बताएंगे सोशल मीडिया से मुराद आपस में बातचीत का ऐसा फोरम है जहां मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन मिलते हैं और आपस में अपने ख्याल का इजहार करते हैं और एक दूसरे से अपनी मालूम शेयर करते हैं पहले वक्तों में सिर्फ टेलीविजन को ही सोशल मीडिया समझा जाता था मगर इंटरनेट और नई इजादात जैसा कि सोशल मीडिया ने हमें आपस में बातचीत करने तस्वीर की शक्ल में अपनी राय का इजहार करने और अपने दोस्तों रिश्तेदारों या आम लोगों की राय लेने के काफ़ी जराये मुहैया किए हैं इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है जैसा कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं इसी तरह सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी अच्छी और बुरी जहनीत के लोग हो सकते हैं इस लेसन में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए आप सोशल मीडिया का महफूज इस्तेमाल कर सकेंगे सोशल मीडिया वेबसाइट्स आजकल सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल जिसमें फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं इस सबक में हम सिर्फ फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर बात करेंगे जब भी आप किसी सोशल मीडिया में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल लाजमी रखना चाहिए नंबर वन सबसे पहले आपको इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स को लाजमी पढ़ना चाहिए आपको अपनी मर्जी के मुताबिक इस वेबसाइट की सेटिंग्स करनी चाहिए मिसाल के तौर पर आपकी पोस्ट या तस्वीर को कौन देख सकता है कौन आपकी बात या तस्वीर पर अपनी राय दे सकता है नंबर टू टू स्टेप सिक्योरिटी वेरिफिकेशन टू स्टेप सिक्योरिटी के जरिए आप अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ईमेल अकाउंट्स को ज्यादा महफूज बना सकते हैं जब आप अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ईमेल अकाउंट्स में इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर भी इन वेबसाइट्स को देना पड़ता है तो ये वेबसाइट्स आपको पासवर्ड के साथ आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भी सेंड करती है तो अब आपको पासवर्ड के साथ मोबाइल पर आने वाला एसएमएस भी देना होगा और फिर आप इन वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकेंगे इसका मतलब अब आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ईमेल अकाउंट्स पहले से ज्यादा महफूज हो गए हैं फेसबुक फेसबुक इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं मुख्तलिफ इदारों के पेजेस को लाइक कर सकते हैं अपनी पोस्ट या तस्वीर को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं लेकिन आपकी बात या तस्वीर कौन किस तरह समझेगा इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकेगा इस बात की आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए इस सेक्शन में आपको फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताते हैं आप ऊपर नीले रंग के बार में एरो पर क्लिक करें और मेन्यू में सेटिंग्स पर क्लिक करें यहाँ पर ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ आप इस बात का फैसला कर सकते हैं जो चीज़ आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं वो कौन देख सकता है आपकी प्रोफाइल को सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं या ऐसे लोग भी देख सकते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं और आपको कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है फेसबुक टू स्टेप वेरिफिकेशन। फेसबुक में लॉग इन करें आप ऊपर नीले रंग के बार में एरो पर क्लिक करें और मेन्यू में सेटिंग्स पर क्लिक करें सिक्योरिटी पर क्लिक करें दाएं तरफ लॉग इन अप्रूवल्स के साथ एडिट पर क्लिक करें अब आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर देकर टू स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी को एनेबल करें ट्विटर ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट है जिसके जरिए हम अपना पैगाम या तस्वीर अपने दोस्तों रिश्तेदारों या आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं लेकिन ट्विटर पर आप अपनी बात को महदूद अल्फाज में कह सकते हैं आइए आप ट्विटर की प्राइवेसी सेटिंग को चेंज करना सीखते हैं ट्विटर की प्राइवेसी सेटिंग में जाने के लिए आप दाई जानब अपनी पिक्चर पर क्लिक करें मेन्यू पर से सेटिंग्स पर क्लिक करें बाई जाने प्राइवेसी एंड सेफ्टी पर क्लिक करें और दी गई ऑप्शंस को स्टडी करें मिसाल के तौर पर आपकी ट्वीट को कौन देख सकता है आपको पिक्चर में कौन कौन टैग कर सकता है ट्विटर टू स्टेप वेरिफिकेशन ट्विटर पर लॉग इन करें आप दाएं जाने गोल दायरे में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें मेन्यू पर से सेटिंग्स पर क्लिक करें बाएं जानेब अकाउंट्स पर क्लिक करें वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें यूट्यूब यूट्यूब अपनी बात को वीडियो के अंदाज में कहने का बड़ा मौसर तरीका है यूट्यूब की प्राइवेसी सेटिंग में जाने के लिए आप दाई जानब अपने पिक्चर पर क्लिक करें और सेटिंग आइकन पर क्लिक करें बाएं जानब अकाउंट सेटिंग्स में प्राइवेसी पर क्लिक करें और दी गई ऑप्शंस को स्टडी करें गूगल टू स्टेप वेरिफिकेशन वेब ब्राउजर में गूगल डॉट कॉम ओपन करें दाएं तरफ, sign in के बटन पर क्लिक करें ईमेल e और पासवर्ड दें। आप दाएं देंब गोल दायरे में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें बाए जानेब साइन इन एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करें सिक्योरिटी चेकअप पर क्लिक करें स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें इस तरह गूगल पर आपकी टू स्टेप्स वेरिफिकेशन एनेबल हो जाएगी